हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज दिनांक 15 फरवरी 2024 को हरियाणा डेलेड एडमिशन 2023-25 का कोर्ट के अंदर हेयरिंग था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि आज की डेट में केस का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। हमारी तरफ से भी यही मानना था, क्योंकि जब पीछे अपनी तारीख लगी थी लगभग एक सप्ताह पहले, तब जज की तरफ से यही कहा गया था कि अर्जेंट मैटर है और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। और जज उस दिन किसी भी कारण से फाइल को पढ़ के नहीं आया था। उसका मेन रीज़न ये था कि जो कॉलेज फाइनेंस कॉलेज जो है अपना, जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनकी तरफ से और हरियाणा गवर्नमेंट SCERT की तरफ से, जो अभी हमारा केस चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, उसके अंदर अभी 3 नंबर जज का मतलब कि तबादला हुआ। 3 नंबर जज इस केस की सुनवाई कर रहा है। 2 जज चेंज किए जा चुके हैं, यानी कि 2 जज का ट्रांसफ़र वहाँ से हो चुका है, सीट चेंज की जा चुकी है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जज ने समय लिया था कि भाई हम नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर आपके केस को अच्छे से सुनेंगे। और आज के डेट की अपडेट ये है, यहाँ आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर भी, और बिल्कुल लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एडवोकेट हैं जो सेकेंड पार्टी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से जो एडवोकेट पेश होने थे, वो आज नहीं हो पाए हैं। और अपने को जो नेक्स्ट डेट है वो 21 फरवरी की मिल गई है, यानी कि 21 फरवरी 2024 का नेक्स्ट डेट मिल गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, नोटिस को मोशन के लिए रखा गया है 21 फरवरी 2024 को। तो साथियों, अब फिर से हमें 4-5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज 15 तारीख है, 15 और 5 20 और 1 21, यानी कि 5 दिन के इंतजार के बाद 6वें दिन फिर से उम्मीद है कि अपने केस का फैसला आएगा। उम्मीद केवल इसी वजह से है कि केस की जो कोर्ट की जो हेयरिंग है वो बिल्कुल छोटी छोटी तारीखें मिल रही हैं। यदि ये तारीख 15 20 25 दिन की मिल जाती तो हम बिल्कुल भी आस ख़त्म कर देते। अभी भी हम पॉजिटिव रहेंगे, आपको भी पॉजिटिव रहना है, और सप्ताह भर का मान सकते हैं हमें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी फिर से आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। फिलहाल की वीडियो में यही अपडेट था कि आज की डेट में सुनवाई नहीं हो पाई, नेक्स्ट डेट मिली है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इस वजह से उनको लेट अपडेट मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एडमिशन जब भी स्टार्ट होगा, जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले और सबसे तेज़ हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को अपडेट मिलेगी।